Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मैं आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली के बहुत ही स्पेशल मार्केट चोर बाजार में. सुबह के बजे 5:30 और आप मेरे पीछे क्राउड देख सकते हो. एंटर होते ही सबसे पहले आपको मिलेंगे रोड साइड शूज. ये सब शूज ब्रांडेड रहते हैं. अगर आपको थोड़ी सी भी ब्रांड नॉलेज है तो आप इसलिए 300-400 रुपए में एक अच्छा ब्रांडेड शूज ले सकते हो यहाँ से. सभी ब्रांडेड शूज आपको 300-400 रुपए में मिलेंगे, जैसे ये रिबॉक का, अंडर आर्मर, स्केचर्स का. जैसे ये शूज, सब शूज ओरिजिनल और एकदम सस्ते में मिल जाएंगे. आगे बढ़ते ही मुझे मिला ये इंस्टा कैमरा, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में था और सिर्फ 1000 रुपये प्राइस था इसका. सिर्फ 1500 रुपये में दे रहे थे भैया ये 4K रिकॉर्ड करने वाला कैम. इसको मैंने चेक करा, ऑन करके ऑन भी हो रहा था और वीडियो क्वालिटी भी एकदम अच्छी थी. और फिर मुझे मिली एयरबड्स की फर्स्ट कॉपी, जो कि भैया सिर्फ 700 रुपये में दे रहे थे. आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैक्ड लैपटॉप्स मिलेंगे, जो कि आपको ऑन करा के चेक भी करवाए जाएंगे. आप ऑन करके चेक कर सकते हैं और मतलब 1500 से 2500 इनकी रेंज रहती है. एप्पल आईपैड मिल रहा था सिर्फ 1500 रुपये में, पर ये ऑन नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसको नहीं लिया. पर अंकल बता रहे थे ये चोरी का है. इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स के साथ साथ यहाँ पे सभी स्पोर्ट्स और जिमिंग की इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल रहती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमल प्राइजेस पे. जैसे ये बैट मैंने अंकल से पूछा तो ये 150 का इन्होंने प्राइस बताया और बाहर मार्केट में आराम से आपको 300 से 400 रुपये में मिलेगा. इसके साथ साथ डंबल्स, उसके बाद स्ट्रेचिंग रोप वगैरह सब अवेलेबल रहता है यहाँ पर. 100 रुपीज़ में 6 पेयर मिल रहे थे सॉक्स के, और सभी सॉक्स ब्रांडेड थी. इतनी स्टाइलिश लाइट मिल रही है सिर्फ 70 रुपीज़ में, मस्ट बाय. यहाँ सब तरह के प्लम्बर फिटिंग के भी सामान रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्राइसेस रहते हैं अगर हम मार्केट से कंपेयर करें इसको तो. अंकल दे रहे थे नॉइस और डीजो की स्मार्ट वॉचेस बहुत ही कम प्राइसेस पे, जिनका मार्केट प्राइस 3500 to 4000 है. वो सिर्फ 1000 to 1500 की रेंज में दे रहे थे. मैंने भी चलाकर देखी वॉच, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल वॉच थी और अच्छा एक्सपीरियंस था. अथेंटिक वेयर 100 रुपये में कुर्ता, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉपी स्मार्ट वॉचेस भी मिल जाती हैं. कुछ ओरिजिनल भी रहती हैं इसमें, वो आपकी किस्मत पे है. हो गए कि ये ड्रोन सिर्फ 400 रुपीज़ में मिल रहा था, जिसको चलाकर भी अंकल ने बताया. और ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे भी लेके गए थे और इसका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था. माइक्रोवेव मिल रहा था सिर्फ 1500 रुपये में, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे. देखते ही देखते भैया का ये सारा सामान बिक गया वहाँ पे. और ये वर्किंग टैब लेनोवो का सिर्फ 1500 में मिल रहा था, जिसका मार्केट प्राइस 5500 to 6000 है. 3000 to 6000 की रेंज में आपको अच्छा आईपैड मिल जाएगा इस मार्केट में. बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और होम थिएटर्स भी अवेलेबल रहते हैं. इन वर्किंग DSLRs का प्राइस सिर्फ 6000 रुपीज़ था. अंकल ये DSLRs रिपेयर भी करते हैं, पूरा आपको डेमो वगैरह दे के 6000 रुपीज़ में दे देंगे. मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे ओल्ड मॉडल कैमरास मिल जाएंगे, जिनका प्राइस 1000 रुपीज़ रहेगा और वर्किंग कंडीशन में रहेंगे. 10 से 12 हज़ार की बाइकर जैकेट आपको यहाँ पर मात्र 300-400 रुपये में मिल जाएगी. सोनी का ओरिजिनल टीवी मिल रहा था सिर्फ 1000 रुपये में, जिसका भैया ने चलाकर भी दिखाया और क्वालिटी भी अच्छी थी. 500 GB एंड 1 TB की हार्ड डिस्क भी मिल रही थी. अंकल दोनों 1000 रुपये में देने को रेडी हो गए थे. चार्जेबल वेप भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पीस. चोर बाजार में आपको वर्किंग लैपटॉप्स इजीली 1000 रुपीज़ के अंडर मिल जाएंगे. और भी बहुत सारी एसेसरीज, जैसे कि ये बैग सिर्फ 200 रुपये में मिल रहा था. बहुत ही सुंदर किचन कटलरी भी यहाँ पे आपको बहुत एफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगी. यहाँ से एग्जिट लेते ही आपको अंदर भी एक मार्केट मिलती है, जहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो. और यहाँ पे जो मार्केट्स रहती हैं ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं रहती और इनके प्राइसेस भी काफ़ी एफोर्डेबल रहते हैं.
यहाँ से एग्जिट लेते ही आपको वहाँ मिल जाएगी, बाहर बर्ड और एनिमल मार्केट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको रैबिट्स, पैरेट्स और पिजन्स वगैरह मिल जाएंगे। प्लस इसी के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ और वीडियो गेम इक्विपमेंट्स जैसे रिमोट्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर एंटीक्स भी देखने को मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने पे, जिनका प्राइस बहुत ही जेन्युइन रहता है, सबका प्राइस 1000 रुपीज़ से नीचे नीचे ही रहता है। तो फाइनली आ गया घर। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। आपको थोड़ा हर्डल या फिर एक्सप्लोर करने पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत कम प्राइस पे मिल सकती है वहाँ। चोर बाजार का जो टाइमिंग है वो 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है, लेकिन जितनी जल्दी आप जाओगे आपको उतनी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक मतलब कि उसके बाद उनकी उन्होंने रोड साइड लगाया होता तो उसके बाद उनको पुलिस वाले हटा देते हैं, बट जितनी जल्दी जाओगे उतनी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। चोर बाजार वहाँ पे 3:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है सुबह और रात तक रहता है, बट वो अच्छे से अपना सारा सामान डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं रोड पे। तो गाइस मस्ट गो। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये जो नीचे लाल कलर का बटन बना है उसको दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो।